40 वर्ष से गोवर्धन में गायों के बीच सेवा कर रही जर्मन मूल की विदेशी महिला को भारत सरकार ने पद्म श्री से विभूषित किया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोवर्धन में जर्मन मूल की विदेशी महिला सुदेवी दासी पिछले 40 सालों से घायल, बीमार और असहाय गायों की सेवा कर रही हैं। सुदेवी दासी की सुरभि नामक गौशाला में लगभग 1800 के करीब गाय हैं, जिनमें से ज्यादातर गाय किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, जिन्हें गाय प्रेमी सुदेवी दासी डॉक्टरों की मदद से इलाज कराकर सेवा कर रही है। सुदेवी दासी की इस विशाल गौशाला का मासिक खर्च लगभग 25 से 30 लाख रुपए आता है, जिसे सुदेवी दासी कुछ दानदाताओं और जर्मन से आने वाले खुद के खर्चे से चलाती है। गौशाला में लगभग 70 से 80 लोग काम करते हैं। सुदेवी दासी का गाय प्रेम गौशाला संचालकों के लिए नजीर बना हुआ है। सुदेवी दासी ने अपना पूरा जीवन गाय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। बीते वर्ष सुदेवी दासी अपने बीजा के लिए काफी परेशान भी हुई थी। बीजा प्राप्त करने के लिए सुदेवी ने देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर सभी जगह गुहार लगाई, लेकिन सुदेवी को बमुश्किल ही भारत में रहने के लिए वीजा मिल सका। लेकिन आज भारत सरकार गाय प्रेमी सुदेवी दासी को वो अवार्ड देने जा रही है जो बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। वो अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। भारत सरकार द्वारा सुदेवी दासी के पास आए पद्मश्री अवार्ड मिलने की सूचना के बाद सुदेवी दासी तो खुश है ही, बल्कि स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। धीरज कौशिक। कौशिक जी, बताया कि जैसे कि दो गौशाला यहाँ प्रमुख मानी जा रही है जी, और उनमें से तीसरी गौशाला का नाम जो जुड़ता है वो सुरभि गौशाला का जुड़ता है, जिसमें असहाय गायों की सेवा होती है और जिसकी जो सेवा करती है सुदेवी दासी करती है, क्या कुछ मानना है आपका इस? देखिए, एक यहाँ कहने के लिए सबसे बड़ी विशेषता ये है सुरभि दीदी की, हमारे ब्रज में, और ब्रज क्या, हमारे भारत देश के हम कह सकते हैं कि गौरव बढ़ाने वाली बात है कि जर्मन, और प्रेरणा भी मिलती है हमको इस चीज़ से कि जर्मन जैसे देश से जहाँ 97% लोग जो गाय का बीफ खाते हैं, ऐसी कंट्री से आके हमारे देश में, और जो पूज्य है हमारे भारत देश की गौ माता जिनकी ठाकुर जी ने सेवा की, और ब्रज में आके, विशेष तौर पे ब्रज में आके जहाँ ठाकुर जी ने गायों के इतने बड़े महत्व को बढ़ाया, हम लोगों को उस गाय का महत्व बताया, ऐसी जगह पे आके एक विदेश से आके यहाँ सुरभि दीदी पिछले 40 वर्ष से 30 वर्ष से यहाँ गौ सेवा का कार्य कर रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम है। और आज सुरभि दासी जी को भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड देने का फैसला लिया, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि गवर्नमेंट ने इनकी सुध ली। अभी तक ये मारी थोड़े कुछ दिन पहले ही, करीब 6-7 महीने पहले ही अपने बीजा के डेट बढ़वाने के लिए मारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी, नेता मंत्रियों के पास, मिनिस्टरों के पास जा रही थी, और कोई सुनवाई नहीं थी। हम भी गए कई बार, पर कोई सुनवाई नहीं थी, केवल कोरा आश्वासन देने वाली व्यवस्थाएँ थी। पर देखो, मुकद्दर है, आज गवर्नमेंट ने सुध ली, ये बड़ा हर्ष का विषय है। पर मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें कि सुरभि दीदी को जो उन्होंने हाईलाइट किया है, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि ऊपर लेवल पे उनकी व्यवस्था समझ में आई हो उन लोगों के, और उन्होंने इनका चयन किया हो। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, और केवल पद्मश्री ही क्यों, गौशालाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, जो विदेश से आके यहाँ सेवा कर रही हैं इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, फंडिंग की या सरकारी राहत की या कुछ ना कुछ तो व्यवस्था, जमीन की या सरकारी जमीन की कुछ तो व्यवस्थाएं हों। यहाँ किराए की जमीन लेके और यहाँ पे गौशाला चल रही है, किराए की जमीन है। भारत सरकार द्वारा सुदेवी दासी को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा के बाद गाय प्रेमी सुदेवी दासी ने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब मुझे कुछ राहत मिल सकेगी और गायों का पालन पोषण भी ठीक से हो सकेगा। वहीं सुदेवी दासी को लेकर मंच न्यूज द्वारा एक वर्ष पूर्व दिखाई गई खबर को लेकर सुदेवी दासी ने मंच न्यूज का आभार जताया। मेरा नाम सुदेवी दासी। सुदेवी दासी, गौ सेवा करते हो कितना समय हो गया आपको? अब 20 साल हो गया, लेकिन मैं 40 साल से करीब यहाँ रह रही हूं। कितनी गौशाला में कितनी गाय है? 1800। तो ये सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से स्टार्ट किया आपने? अब करीब 20 साल पहले बच्चा रस्म भरा हुआ मिला, कोई एक्सीडेंट, कोई खड़ा ना हो पाए, कोई बीमार है, कुत्ता भी पकड़ लेता है, इनको एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इनको एक करके एक करके उतर के लाई। अब रोज 10-15 आ रही है, और इतना दुखी स्थिति में आ रही है। जो इतनी गौशाला में, आपकी गौशाला में 1800 करीब गाय हैं, उनकी कैसे सब व्यवस्था चलती है?
डोनेशन से चल रहा कुछ हमारा अपने घर की फैसले भी चल रहे हैं। आज गौ सेवा की वजह से भारत सरकार ने आपको पद्मश्री देने का फैसला किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद भारत सरकार के लिए, मेरे को ये रिकॉग्निशन मिलेगा और पद्मश्री अवार्ड मिलेगा और मेरा आशा रखा है कि आगे के लिए गई का रास्ता जगह और मेरे रहने का परमिशन शायद आगे परेशान कम हो जाएगा। पिछले साल जैसे बात की जाए कि आप वीजा के लिए बहुत परेशान थी। पिछले साल मेरा वीजा ख़त्म हुआ और वीज़ा बढ़ाना का एक्सटेंशन करने के लिए बहुत मुश्किल था और मीडिया का सपोर्ट, टीवी वाले और न्यूज़ वाले इतना सपोर्ट किया कि लास्ट मंथ तो फिर भी बन गया। तो आप सेवा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाय की जो सेवा हो रही है? अब यहाँ हॉस्पिटल का बार है, यहाँ 18 आदमी रुपाती करता, 2 इंजेक्शन देता हूँ, कोई डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर के अनुसार से सेवा होता, दवाई का सेवा होता। जगह बहुत कम है, जगह करीब 1000 गेन के लिए है और 1800 हो गया और ऐसा ओवर क्राउडेड है कि कमज़ोर गेन का खाना का व्यवस्था मुश्किल हो गया।